मोशन ऑफ बंगाल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम आ गए हैं परमेश्वर सुजुकी उत्तरपाड़ा में। अगर आप वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप परमेश्वर सुजुकी उत्तरपाड़ा के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। शोरूम का कांटेक्ट और डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट टू थैंक्स परमेश्वर सुजुकी उत्तरपाड़ा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे न्यू सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट 125 BS6 के बारे में, जिसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ऐड किया गया है और बहुत सारा चेंजेस देखने को मिल जाता है। इग्निशन स्विच के दोनों तरफ आपको बहुत स्पेस मिल जाता है जहाँ आप अपना मोबाइल और अलग सामान रख सकते हैं, और इसमें USB सॉकेट भी दिया गया है। इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में स्पीडोमीटर, ट्रिपोमीटर, टाइम क्लॉक और बहुत सारा फीचर्स देखने को मिल जाता है स्कूटी में। इसमें हाई बीम और लो बीम का स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच और आइडियल स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाता है जो कि किल स्विच के साथ एक साथ आता है, जो कि बहुत ही यूनिक फीचर्स है स्कूटी में। इसमें 124cc की एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 8.7 PS की और मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10 न्यूटन मीटर की 5500 RPM में। BS6 होने के कारण इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। इसका हेडलैम्प LED सेटअप के साथ है जिसमें LED DRL देखने को मिलता है। इसके साथ इसमें हैलोजन टाइप इंडिकेटर बल्ब भी मिल जाता है। इसका टेल लाइट भी फुल्ली LED है जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। इसमें बर्गमैन की बैचिंग 3D क्रोम के साथ देखने को मिल जाता है जो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। इसके फ्रंट में डिस्क ब्रेक के साथ साथ CBS या कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है, और इसके साथ इसके फ्रंट में हाइड्रोलिक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन भी देखने को मिल जाता है। इसका एग्जॉस्ट थ्रोड आपको सुनाना चाहूँगा। इसका एक शोरूम प्राइस है 83,563 और इसका ऑन रोड प्राइस है 1,962 रुपीज। सो गाइस, please like, share and subscribe my channel to watch more informative bike related videos. Till then, stay tuned guys. Thank you so much.